हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत चुकी है, हो मैं अभी उठी हूँ बस। और उठते ही सूरज इतना तेज़ पड़ रहा है ना, क्योंकि 7:30 होने वाले हैं और अब उठी हूँ मैं। और मैं अभी नहाती हूँ, शावर लेती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ पाठ पूजा। और स्वाति भी उठ गई है, वो अभी किचन में है, तो मैं मिलवाती हूँ आपको उससे। फिर आज के दिन का स्केड्यूल कुछ इस तरह रहने वाला है, क्योंकि मैंने आज जाना है स्किन वाले डॉक्टर के पास। तो मैंने काम कर लेती हूँ घर के, मैं फिनिश, उसके बाद हम चलते हैं डॉक्टर के पास। सुबह सुबह किचन में क्या बन रहा है? इधर चावलों को तड़का लगाया जा रहा है। ऑफिस जाने की तैयारी, साथ में चाय। वाह पांडे जी, सवेरे सवेरे आज पांडे जी को जल्दी जाना होगा। कब कैसी लगी हुई है सुबह सुबह? यहाँ पे हो रही है हमारी सुबह की पूजा, जो कि दीदी कर रहे हैं। तो आज रजनीश आ गए थे जल्दी घर पे, मैंने इनको बुला लिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्किन वाले डॉक्टर के पास। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने स्किन का ट्रीटमेंट लेना है, तो आप मेरी स्किन देख सकते हो, ये पूरी यहाँ से रेडिश रेडिश हो जाती है, रेडनेस आ रही है। तो स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो आप कुछ कहना चाहोगे? क्यों हो रहा है? मतलब काला हो रहा है, काला काला हो रहा है, तो यही तो दिखाने जा रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या किसी चीज, ये जो ये भाई है ना गाड़ी वाला, हाँ, ये उसके बहुत पीछे पड़ा हुआ है। किसके? डोलू के। डोलू के पीछे पड़ा हुआ है, मर्सिडीज वाला बोल रहे डोलू चाहिए। डोलू ऐसा नहीं, ला के दे दो, ला के देंगे जब हमारा डोलू बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं स्किन वाले डॉक्टर के पास, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो हम लोग पहुंच गए हैं क्लिनिक पे और यहाँ काफ़ी रश है, तो बैठे हैं हम भी, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी लगेगा टाइम, क्योंकि लोग सब लोग बिजी हैं। तो सो मैं डॉक्टर के पास जाके स्किन वाले के पास अभी आई हूँ, और आप मेरी स्किन देख सकते हो, एक बार पूरी रेड हो चुकी है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर ने बोला है कि इससे आपकी स्किन पील ऑफ हो जाएगी। तो अभी मैं जस्ट घर पहुंची हूँ, बट एक बार पूरा इरिटेट कर रहा है फेस और पूरा रेड हो चुका है। तो मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखा दूँ, दिखाने लायक था नहीं, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी रिजल्ट देखते हैं, विद इन 1 वीक उसने बोला है कि ठीक हो जाएंगे, तो अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। करो मास्क लगा लो अभी। नहीं अभी नहीं मास्क लगाना, वो उसने बोला है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है, रात को वॉश करना है, सुबह तक वो बोले थे कि नॉर्मल हो जाएगा। कितने बजे वॉश करना है? 1 बजे। यही सुनना था मेरे को, 1 बजे एग्जैक्ट। उन्होंने बोला था 6 बजे करवा के मैं फ्री हुई थी, उन्होंने बोला था 6 से 12 बजे तक 6 घंटे हो जाएंगे और 7 घंटे में वॉश करना है। हमारे डोलू जी सो रहे हैं अभी, तो ये नींद पूरी कर रहे हैं, और रात को जो है सबकी नींद आराम करेंगे। पैम्परिंग बहुत आज के लिए, ठीक है। हुण तुसी बह सकदे हो वीरे, तो इधर चल रही है शेफू और स्वाति की गिटपिट, पता नहीं चल क्या रही है। देखना कैसे देखता है ये, जैसे इसकी और कैमरा आता है ना, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा देखने लगता। देख नन्ना, आइसक्रीम खानी है यार, पैसे ले लो, आइसक्रीम खिला दो। लो पैसे तो खिलाता हूँ। 100 रुपए में कितनी आइसक्रीम आएगी? एक भी नहीं आएगी। तुम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मेरे को आइसक्रीम खानी है, ये भी बोली मेरे को चाय पीनी है, आप भी बोले मेरे को चाय पीनी है, तुम लोग चाय पियोगे, मैं ही खाऊंगी। डोलू भी बोल रहा था मेरे को चाय पीनी है, इसको भी खा दो। लुका सचवाती के पापा का फोन आया था। क्या? वो रिश्ते के लिए बोले तो वो आ जाए, रिश्ता रिश्ता लड़की का आ जाए था। पंडित जी वो मुहूर्त निकलवाना था ना सैलून का, हाँ, तो पंडित जी को मैंने बोला था। क्या? मैंने कहा इस तरह एक लड़की है पंडितों के, है वो गॉड पंडित है, तो हो नहीं रहा उसका, शर्मा रही है लड़की, शर्मा रही है। बहुत टाइम हो गया, मगर 5-6 साल से देख रहे हैं घर वाले, पर जच नहीं रहा कोई ढंग का। तो नहीं मतलब 5-6 साल से देखने लगे तो उसका ना, वो बोला मेरे को ना डेट ऑफ बर्थ सेंड कर देना, मैं सारा पतला देख के भाई क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत नहीं आ रही, एक जिस लेवल का रिश्ता ये देख रहे हैं उस लेवल का अच्छा, ये बढ़िया लड़का, स्मार्ट भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ऑफिसर रैंक। अरे वो सारे हैं मेरे पास, पर अड़चन आती है ना तब होता नहीं, वो है मेरे पास सारे लड़के, तो सारे लड़के स्मार्ट भी है, हाथ में सफाई भी है, सब कुछ है, हाथ में सफाई के कारीगर भी चाहिए, तो स्मार्ट भी तो है साथ में,
फैन है, लोग फोन करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे हैं। नहीं तो आप लोग भी प्लीज कमेंट करके बताना, कोई अच्छा सा रिश्ता हो, लड़का या तो ऑफिसर रैंक हो, पंडित, प्योर पंडित, ओरिजिनल वाले चोटी वाले पंडित। नहीं हरिद्वार में भी बहुत है। वो नहीं चाहिए तो। होना पंडित चाहिए, पर जात का पंडित होना चाहिए, पर वो करता हो मतलब या तो बिजनेसमैन हो या अच्छा। देखो भाई अपन जात पात में विश्वास नहीं करते, लड़के दो तीन है स्मार्ट मेरे यहाँ, बढ़िया हाथ में सफाई है, देख ले तेरे से लाइफ कर ऐसे बता दी। क्या कहती है बाकी कल पंडित जी बता देगा भाई अड़चन क्या रही है। वैसे तो ये लड़का भी ठीक है। ओए एक बात बताऊं, वो मैंने एक फिल्म देखी थी। हाँ। एक फिल्म देख में ना एक लड़की का रिश्ता नहीं होता, तो पंडित जी पता क्या कहता है, वो ना किसी मतलब पता नहीं किससे मैरिज करवाता है, पता नहीं जानवर से कौन से करवाता है, पेड़ के साथ नहीं कुत्ते के साथ भी करवाता है, डॉग के साथ। अरे वो लड़की के साथ होती है, वो हिंदी लड़की की भी होती है, लड़की की भी होती है, उससे करवाते हैं उसके नक्षत्र उसे ही हो जाते हैं। तो अपन एक काम करें, तो क्या दूसरी अपन डोलू डोलू किसके साथ करते हैं एक बार, सारे नक्षत्र सही हो जाएंगे। लड़का दिखा स्मार्ट है, वो बिना कोट पैंट के आएगा, ये कोट पैंट के आएगा, उसको आएगा ही नहीं, उसको गाएगा कोट पैंट। आज का कलम देखा इसे, छोटे छोटे सब कुछ आता है इसका। अच्छा। इसके जूते तक देख के कलम ने नहीं, बट शाबू के साथ तो नहीं कराते, ये शरीफ बच्चा हमारा यही खतरनाक है, तेरे को यही हैंडल कर सकता है। वकील को वैसे ऐसे हैंडल यही कर सकता है, वकील के साथ यही ठीक रहेगा। चलो फिर वकील के साथ डोलो भी पक्की। डोलो आर यू इंटरेस्टेड? गाइस कल शायद नहीं दिखाएंगे, परसों वाले ब्लॉग में आपको दिखेगी डोलू की और स्वाति की शादी। ओके डोलू अंकल को फोन करके आंटी को बुला लेना, अंकल को तो नहीं बुलाना, अंकल आंटी को बुला लेंगे, आंटी आ जाएगी ना। अंकल को क्यों नहीं बुलाना, अंकल आ नहीं सकते इस मैरिज में। अंकल लेट है, बंदूक सबको एक्स आर्मी ऑफिसर बोलेंगे उड़ो तुम लोग। नहीं अंकल फिर ये भी कहेंगे ना, ओहो माय जॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या छोटे से बच्चे को मजाक बना दिया। नहीं अंकल फिर देखेंगे, अंकल कहेंगे कॉपी पेन लेके आ। पापा का कड़ा बनाते हैं अंकल। इसका जन्मदिन कब था? ओके डोलू तेरा मजाक, तो इसका पाप का घड़ा है ना। वो आ गया, वो तेरी कर देंगे, बस तेरी कर देंगे, तेरी कर देंगे, इसको छोड़ दे, इसकी करने पड़ेगी। वो बड़ा भाई बड़े को छोड़ के छोटी है, हमारा इसका रिश्ता नहीं होगा फिर। क्यों नहीं होगा, फिर देख मेरे माथे मेरे को मारने को हो रहा है, करा देंगे। बोलेंगे छोटे का कर दिया, बड़े में कोई कमी होगी ना ना, हम ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते भाई। स्वाति से मैरिज कराएगा? क्या कहना चाहता चलो। मैंने तो और नक्कू तेरी उम्र हो गई है 14 साल, मतलब 15 कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में नक्कू। मैं शादी करूंगा 30 साल, 30 में नहीं 5 साल और है, मैंने तो बहू ले आनी है अच्छी सी। और फिर मैंने बन जाना है सास, और फिर मैंने बोलना है सास भी कभी बहू थी। सच्ची में मजाक नहीं रही स्वाति, मैं सच में बोलती हूँ कि मैंने शादी कर दी है। हण तलाक रही है पागल है, डल्लू की हण तलाक रही है। नहीं ये तो बहू बिगड़ाल हो जाएगी, ये तो मेरे सिर पर तांडव कर देगी, बोलेगी चल हट। वैसे से बहू ले कहेंगे स्वाति सच में 5 साल में इसकी शादी कर, मतलब 21 साल का होते ही नक्कू की शादी कर देनी है पक्का। 21 साल का नक्कू भाई 23 आप 30 से 22 पे आ जाओ, धीरे धीरे 21 में भी आ जाएगा इसकी शादी करके, और बहू बहू ला के फिर बोलना अपना कमाओ और खाओ है ना, और अपने मतलब
गाइस आप 5-6 साल वेट करना, 6 साल में अपन नक्कू की शादी करेंगे और फिर अच्छी सी बहू लाएंगे, अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू करें। हाँ 6 साल तक मेरे को जो भी बहू पसंद आगी मेरे जैसी होनी चाहिए बस, है ना। रंग तो दो ही दे रखे हैं बस, हंसी खुशी जो ऐसे जैसे इस कोने पे ये बैठे हैं, इस पे नक्कू बैठे, उस पे वो बैठ जाए जो खाली है, इस पे हमारा शेफ हुआ, इधर हमारी स्वाती है, इधर मैं हूँ, तो ऐसी बहू है जो ये वाला कोना भर दे बस आके, है ना। ऐसी बहू चाहिए हमें, फील ले रहे दीदी, पूरी जमी फील ले रहे हो। सच में मैं तो बोलती हूँ स्वाती, मैं तो बोलती हूँ कि मुझे 6 साल बाद इसकी बुआ को भी मैं बोल रही हूँ कि 21 साल का होते ही ना अच्छा सा लड़की देख के, रिश्ता अच्छा सा देख के और शादी कर देनी है, मैंने फ्री हो जाना, फिर कमाओ खाओ अपना, नौकरी नौकरी करो जो कुछ करना है। तीज की वो करना, क्या अरेंजमेंट बता देना क्या क्या करना है। तीज का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय हेयर गार्डन। स्पॉन्सर्ड बाय हेयर गार्डन की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि तीज है ना अपने, तीज का फेस्टिवल हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है सोसाइटी में, तो मैंने क्या आज सोचा है कि मेहंदी वगैरह का जो एक दिन पहले का अपा फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मेहंदी, जितनी भी सोसाइटी की लड़कियां हैं अगर अब भी सुन रही हैं कोई, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे अपा पूरे का पूरा जितना भी रहेगा मेहंदी का प्रोग्राम रहेगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सैलून के बाहर भी स्टॉल लगवाऊं, दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली। फ्री ऑफ कॉस्ट मेहंदी लगवाएंगे अपा सारी लड़कियों को तीज पे। हां जी मैडम, तो इसने बाद में कैब वाले से बात की होगी, तूने बात की तो फिर वो क्या बोला था पहले, क्या आपको लगा पहले मेरे को लगा कोई बंदा बोल रहा है, ठीक है, तो बाद में बात कर रही है, ठीक है, तो मैंने मैडम कह दिया, अभी मैंने फोन किया, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे कोई सर बोल रहा है, पर मेरे मुंह से निकल गया हाँ मैडम मैं आ गया, तो उस तरह से निकल गया जैसे पहले काटा था, मैडम के पास ही गया होगा मकाम, लड़के ने जी आ रही थी। तू पता क्या करता है ये तो ना ऐसे कहता है नहीं टोन चेंज, जैसे स्वाती कॉल आती है ना पहले बोलता है हेलो, फिर जब नॉर्मल हाँ जी भैया, और फिर मेरे काम ऑन करता है, मेरे साथ भी ऐसे करते हैं, हेलो और कल इसने पता मेरे को जब हम जिम में थे इसने कॉल किया हेलो तो तभी वो बोल रहा है, पहले बच्चा बोल रहा था, फिर लड़की बोल रही थी, फिर कोई बड़े मतलब बोल रहा है कि किसी सर की आवाज आई, तो फिर तूने कैब वाले की रिकॉर्डिंग कर ली, ये नंबर किसके पास तेरे साथ, तो आज फिर वही हो गया, कलोली होगी, तो हम लोग आइसक्रीम लेके आ गए हैं घर, और आइसक्रीम क्या कुल्फी इन्होंने खा ली, आपने खा ली, खा रहे हो, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को प्लीज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करो, और साथ ही साथ बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिया करो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।